आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू समाज। जिस समाज का पहला खंड मतलब पूर्व पद संख्यावाचक हो और दूसरा खंड संज्ञा हो और पूरे पद से समाहार या समूह का बोध हो उसे हम हिंदू समाज कहते हैं। इसका मतलब है कि पहले संख्या का बोध होना चाहिए पूर्व पद में और दूसरा पद संज्ञा हो और पूरे पद से समूह या समाहार। समाहार का मतलब होता है समूह से जुड़ समझ है। जैसे समस्त पद विग्रह और समास का नाम अष्टाध्याय आठ अध्यायों का समूह चाहे समाहार। शताब्दी अवधि मैंने होता है वर्ष। शतम मैंने सौ सौ वर्षों का समूह चाहे समाहार। सप्तशती सात सौ का समूह। त्रिफला तीन फलों का समूह द्विगु समास। पंच पात्र पांच पात्रों का समूह। चतुर्वेदी चार वेदों का समूह। सप्ताह सात दिनों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह। नौ रत्न नौ रत्नों का समूह। त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह। तिमाही तीन महीनों का समूह। यह कर्णधार समूह। दूसरा उदाहरण है तिरंगा तीन रंगों का समूह द्विगु समास। पंचामृत पांच अमृतों का समूह। चार मीनार चार दीवारों का चार दीवार चार दीवारों का समूह। चार मीनार चार मीनारों का समूह। चार पाई चार पैरों का समूह। यह द्विगु समास है और इसमें पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे समाज का चौथा भेद बहुबिरी समाज। जिसका कोई खंड प्रधान न हो लेकिन वह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे हम बहुबिरी समाज कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है जिस समाज में दोनों पद का मतलब है पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुबिरी समाज कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह समास का नाम महात्मा महान है आत्मा जिसकी बहुबिरी समास। पुण्यात्मा पुण्य है आत्मा जिसकी बहुबिरी समास। बहुगृह गृही का मतलब होता है धन बहुत है धन धान जिनको वह बहुबिरी समास। पीतांबर पीला है वस्त्र जिनका वह विष्णु। कला प्रिय कला है प्रिय जिसको बहुबिरी समास। जितेंद्रिय जीत लिया है जीत ली गई है इंद्रियां जिसके द्वारा बहुबिरी समास। निर्धन निकल गया है धन जिससे बहुबिरी समास। दशानन दस है आनंद जिनके रावण। चतुरानन चार है आनंद जिनके ब्रह्मा जी। चंद्रशेखर चंद्रमा पर चंद्रमा है शेखर पर जिनके चंद्रमा है शेखर पर जिनके शेखर का मतलब होता है ललाट। बीना पानी बीना है हाथ में जिनके। सूल पानी सूल है सूल का मतलब सूल है हाथ में जिनके बहुबिरी समान। गजानन हाथी के मुख के समान मुंह है जिसका गजानन। चंद्रमुखी चंद्रमा के मुख के समान मुख हो जिस स्त्री की वह बहुबिरी समान। मीनाक्षी मीन मतलब मछली। मीन की आंख के समान आंख है जिस स्त्री की वह उसे हम मीनाक्षी कहते हैं बहुबिरी समान के। और उदाहरण है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समान।